हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हम बात करने वाले हैं न्यू किया सेल्टोस 2021 की। क्या चेंजेस आपको मिलते हैं 27 अप्रैल को इन्होंने अपना लॉन्च इवेंट जो रखा था उसमें। नई किया से बहुत उम्मीदें थी लेकिन लोगों को खास पसंद नहीं आया क्योंकि जो फीचर्स डालने थे जैसे पैनोरामिक सनरूफ था उसकी बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी लेकिन वो नहीं आया। लेकिन इसमें फीचर्स वगैरह कुछ ऐड करे हैं प्लस जो लोगो मेन होता है, लोगो जो चेंज करा है उसके ऊपर मैं आज अपने ओपिनियन दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगता है रियल लाइफ में। अभी तक मैंने भी केवल पिक्चर्स में देखा था, वीडियोस में देखा था लेकिन आज रियल लाइफ में मैं खुद देख रहा हूँ तो आपको बताऊंगा कि कैसा लगता है ये। तो सबसे पहले जो लोगो आया करता था ना वो ऐसा आया करता था, अंदर की तरफ दबा हुआ था और उसके ऊपर मतलब ब्लैक के ऊपर लिखा होता था। लेकिन यहाँ पे अब ये वो सब चीज़ हटा के, दबने वाली चीज़ हटा के ये अलग तरीके से यहाँ पे पेस्टिंग कर रखी है तो मतलब इतना भी बुरा नहीं लग रहा है ये। अगर आप इसको देखते हो ठीक है अपना, जैसे वाइट कलर है, वाइट कलर के ऊपर सिल्वर आ रहा है, मतलब हर कलर के ऊपर यही सिल्वर फिनिश में ही आएगा पर ठीक लग रहा है भाई, इतना बुरा नहीं लग रहा है। टाइम के साथ साथ जैसे हम इसको देखते रहेंगे ना तो फिर अपडेट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये HTE बेस मॉडल है तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मेन फीचर्स हैं और क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं। वैसे 27 अप्रैल को जब वो लॉन्च इवेंट उन लोगों ने रखा था क्या ने, तो उसमें भाई कमेंट्स में अरुण पवार भर दिया पूरा कंप्लीट। मैं भी देख रहा था उस इवेंट को। खैर अभी अगर मैं HTE बेस मॉडल में आपको बताता हूँ क्या क्या मेन चीज़ हुआ है तो वो सबसे पहले तो भाई एक लोगो का ही है। उसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल रहे हैं जो कि वही येलो लाइट निकालते हैं। यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसमें पार्किंग लाइट, यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसमें ये इंडिकेटर, फॉलो मी हेडलैम्प्स हैं। इसके अलावा इसमें फॉग लैम्प वगैरह नहीं आते हैं। मैं भी पर्सनली इसको ऑन करता हूँ लेकिन मेरी भाई पुरानी हो गई है अब इससे। बस यही है, लोगो आप चेंज कर दिया ना तो इससे साफ पता लगने लग जाएगा कि नई गाड़ी है या फिर पुरानी है। तो जिन्होंने पहले ले रखी थी उनकी तो भाई पुरानी हो गई। प्लस चाबी पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे नया लोगो आ गया है, बाकी की पूरी सेम है, जस्ट न्यू लोगो का ही डिफरेंस है। प्लस एक MID में भी मैंने एक डिफरेंस नोटिस किया था उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अपना बेस मॉडल में अपने को ये कलर मिल जाता है, इसके अलावा एक सिल्वर कलर भी आता है। बाकी ये चीज़ जो है वो आज भी बरकरार है बेस वेरियंट HTE में। अगर आप बात करते हैं डीजल वेरियंट है, यहाँ की जगह वो चीज़ यहीं पर दे रखी है। प्लस एक चीज़ और यहाँ पे भी लोगो चेंज होगा, व्हील कैप में अगर आप देखते हो तो किया का इस तरीके का लोगो आने लग गया है अब, और अब गुडियर के टायर आ रहे हैं। ये तो वैसे उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा बैज किस टाइम पे चल रहा है, तो अभी गुडियर का चल रहा है। तो अपनी जब हमने लिया था हमारी में कुमो के हैं तो कुमो से बेहतर है भाई गुडियर मेरे ओपिनियन में। तो 205/65R16 की इनकी प्रोफाइल है, मतलब बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत सही है। प्लस की कीमत की मैं आपको बात बताऊंगा। साइड से इसमें कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आप देख लो भाई लोगो, पीछे के लोगों के बारे में भाई ठीक है, सही लग रहा है। मतलब पहली नज़र में तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि वो आंखों में थोड़ा सैड सा हो गया पर दूर से देखने पे सही लग रहा है, ऐसे लगेगा नहीं, मतलब ये दिखता नहीं है तो ऐसा ही लगेगा कि भाई क्या गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है ये। मैं जैसे दूर जाके दिखाऊँ आपको, जितना दूर जाओगे उतना ही कम दिखेगा तो सही लगेगा कि भाई कौन सी गाड़ी आप चला रहे हो। लोगों को पहचान में नहीं आएगा, अगर ब्लैक लोगे तो उस पर साफ साफ दिखेगा ये ब्लैक गाड़ी लोगे क्योंकि ये चीज़ सेम ही रहेगी। सेल्टोस की बैजिंग आज भी आ रही है और सारा कुछ तो सेम ही है, बस ये लोगो ही चेंज करा है इन लोगों ने, ये जो लोग आपको देख रहा है। और बाकी इसमें बूट लैंप वगैरह आज भी कोई ऐड नहीं किया गया है। प्लस अगर आप फिफ्थ टायर की बात करेंगे तो वो भी गुडियर का ही दिया गया है और 205/65R16 सेम प्रोफाइल के साथ आपको मिलता है। प्लस मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि भाई पुराना लोगो कैसा था नया लोगो कैसा है, तो आप लोग कमेंट्स में बता देना कि कौन सा आपको बेहतर लग रहा है, न्यू किया सेल्टोस वर्सेज ओल्ड किया सेल्टोस। लोगो डिफरेंस आज मेन हम देखने वाले हैं, कौन सी आपको ज़्यादा बढ़िया लगती है आप लोग बताना। ये दोनों ही बेस वेरिएंट्स हैं, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं दोनों में अपने को, यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़ा सा हल्का सा आगे ले ले तो ये 2020 वाली किया सेल्टोस है, ये अपनी 2021 वाली किया सेल्टोस है। तो इस लोगों की अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे आया करता था, अपना एम्बेडेड था, मतलब इसको बोनट के अंदर थोड़ा सा दबा रखा था। लेकिन अभी जो नया वाला आया है ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही दिखता है। और पीछे से और एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे से आप देख सकते हैं चेंज, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में क्या चेंजेस है। शार्क प्रिंट जो आपको पहले मिलता था आज भी वही मिल रहा है। इसको अनलॉक करके अंदर की तरफ जैसे हम चलेंगे तो ये आपको इस तरीके चारों पावर विंडोज में मिल रही है। स्पीकर आपको वही बेसिक मिल रहे हैं आज की तारीख में भी। अभी क्रेटा में भी ये चीज़ डाल दी गई है तो सेम ORV में आपको क्रेटा में भी मिल रहा है। साथ के साथ आपको अब क्रेटा में भी ये चीज़ हटा के बेस वेरिएंट में यहाँ पे डाल दी गई है। तो अब चाहे आप क्रेटा का ई ले लो या फिर इसका HTE ले लो, दोनों में सेम ही चीज़ आपको मिल रही है। हाइट एडजस्टेबल सीट आज भी आपको मिल जाती है। यही है अपना सेल्टोस के बेस वेरिएंट में ना, सारे फीचर आपको बेसिक मिल जाते हैं, सीट ऐसी नहीं आती है, चढ़वा दिए कवर, बाकी इसमें फैब्रिक की नॉर्मल सीट्स आती हैं। अभी एक और जगह पे जहाँ पे लोगो चेंज होना होता है वो भाई यहाँ पे है, यहाँ पे भी लोगो चेंज कर दिया है।
लोगो सही है भाई, मैं क्या ही बोलूँ, सही लग रहा है, अपना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे सिस्टम चेक जो मैं आपको बता रहा था मेडिकल, एक छोटा सा डिफरेंस वो मैं आपको बताता हूँ। ये टैकोमीटर स्पीडोमीटर है, वो तो नॉर्मल अपनी सारी चीज़ें ही इसमें आपको मिलती है। जैसे मैं गाड़ी को बंद करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को चेंज दिखा था, अभी देखना जैसे ये हटेगा। अरे नहीं भाई, डोर बंद करना पड़ेगा शायद, तो अब दोबारा करके देखता हूँ। वो आता है ना एक एनिमेशन सब बना हुआ जब गाड़ी बंद करते हैं, या लॉक करने पे आता है वो, ऐसा है क्या पता नहीं। आता है भाई, कई बार आता है कई बार नहीं आता, मैंने देखा था इसमें एक बार, पता नहीं वो कैसे आता है, लेकिन आया था जरूर। और वो चेंज था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा था वो पर्सनली देखने में। छोटा वाला स्टीरियो, ये तो अपना नॉर्मल स्पीकर वगैरह अपना ब्लूटूथ वगैरह आपको मिल ही जाता है इसके अंदर नॉर्मल। यहाँ पे मैनुअल एसी अपने को मिल जाता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, यूएसबी है, यहाँ पे फोन चार्ज आप कर सकते हो, यहाँ पे एक फोन रखने की जगह भी मिल जाती है। 6 गियर इसमें आते हैं, तो इस तरीके के गियर नॉब इसमें मिलता है। बाकी और तो भाई पूरी गाड़ी सेम ही है, जो अपना एचटी बेस मॉडल है। हैंड ब्रेक मिल रही है, आर्मरेस्ट मिल रहा है, सनग्लास होल्डर आपको मिल रहा है, लाइट मिल रही है, यहाँ पे कोई वेंट मिरर नहीं मिल रहा है। तो फीचर्स वाइज तो भाई बहुत बढ़िया है, देखो चारों पावर विंडो आपको मिल रही है। बस इसको अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे देते तो काफी अच्छी बात एक रहती, पर कोई नहीं भाई, बेस मॉडल तो हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। फीचर्स वाइज अगर आप बात करते हैं तो कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हुई है क्रेटा की तरह। क्रेटा वाले भाई, हुंडई वाले हर 2-3 महीने में ही अपना डिलीट करते रहते हैं फीचर्स को, मतलब बेस मॉडल में तो डिलीट ही कर रहे हैं, एसएक्स या फिर ऑप्शनल में बढ़ा देते हैं, लेकिन ई में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ घटाते ही रहते हैं वो टाइम के साथ साथ। उल्टा अपडेट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेकिन घटा रहे हैं। ये इनका सही है कि आवालों का अपना कॉन्स्टेंट रहता है। प्लस एक जगह और जो आपको लोगो चेंज दिखेगा वो है भाई इनके शीशों पर, ये जो आप देख रहे हैं, तो इन्होंने उससे भी बोला होगा जो शीशे इनको सप्लाई करता है, ये सेंट ग्लोबिन कंपनी से, कि भाई हमारा इस पर लोगो अपडेट कर दो। बाकी लोगों को अपडेट करने में बहुत खर्चा आ जाता है, इनको हर जगह ही अपना लोगो अपडेट करना पड़ेगा। अब चाहे आप सर्विस सेंटर की बात ले लो या कहीं की बात ले लो, यहाँ पे भी आपको किया का वो दिखता है। बाकी ये है भाई इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो है, एक जगह तो रह गई अपना लोगो अपडेट करने से, वो है भाई ये यहाँ पे, तो आज भी वही किया का पुराना लोगो आ रहा है जो इनका कूलेंट का ही होता है। खैर ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, पेट्रोल में भी ये वाला मॉडल अवेलेबल है, 115 बेस पे निकालता है 250 एनएम टॉर्क के साथ। और मैं ऑन करता हूँ इसको, तो मेरा तो पूरा एक्सपीरियंस पता है भाई कितना मजा आता है इस वाले इंजन को चलाने में। बाकी अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं डीजल इंजन की आवाज़ सुनने में डिफरेंस है या नहीं, तो सुन लो आप, ये इसकी है नई वाली की आवाज़ होगा नहीं वैसे कुछ भी, वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे दिखा रहा हूँ, हम टेस्ट कर रहे थे खुद कुछ अपना पर्सनल उसके लिए, मैं सोचा कवर कर देते हैं। सेम ही है भाई, बिल्कुल सेम है, मेरे को नहीं लग रहा कोई भी डिफरेंस। तो ये मेन प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, अगर ऑन रोड कीमत की बात की जाए, अगर आप सब कुछ लगा लेते हैं एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह पर बेसिक किट वगैरह, तो आपको ये करीबन 12,33,000 रुपये पड़ जाती है ऑन रोड हरियाणा में। अभी स्टेट टू स्टेट ये चीज़ वेरी करती है कि आप कहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से जो प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। बाकी जो ये विंडशील्ड है यहाँ पे नया वाला लोगो देखने को मिलता है, यहाँ पे तो वही पुराना दे रहे हैं जो किया का सर्विस है। तो भाई यही थी जो किया का बेस वेरियंट है, इसमें नया लोगो का अपडेट किया आया है, प्लस फीचर वगैरह में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी हुई है, वो चीज़ मेरे को बतानी थी। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।